हेलो फ्रेंड्स, मई 19 का हमारा इंटरमीडिएट का रिजल्ट आ चुका है और जिन लोगों ने एग्जाम्स क्लियर कर लिए हैं, सबसे पहले तो उनको बहुत सारा कॉन्ग्रेचुलेशंस। नाउ अभी आज की जो मेरी बात है वो मेनली उन लोगों से है जो लोग ये अटेम्प्ट क्लियर नहीं कर पाए हैं, और आज उनसे मैं बहुत, आप कह सकते हो, हार्ड बात करने वाला हूँ। कई पिछले दो दिन में कई सारे बच्चों से मिलना हुआ और बहुत ज़्यादा कुछ लोग परेशान भी थे, कुछ रो भी रहे थे। बिल्कुल मैं मानता हूँ आप लोग सब अपनी जगह पे सही हैं, लेकिन इन सारी चीज़ों के लिए हमारे पास में टाइम बिल्कुल भी नहीं है। सर हमसे क्या हो गया, क्या गलती हमसे हो गई, हमने आंसर्स तो बहुत प्रॉपर लिखे थे, शायद इंस्टीट्यूट ने इंटेंशनली हमारे मार्क्स को कम किया है। देखिए बहुत सारी बातें हैं करने को, आप ठीक है, लेकिन उन सब पे बात करने से इस वक्त में होने वाला कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट अटेम्प्ट हमारे सर पे है, हमको उसकी तैयारी करनी है। अगर आप लोगों ने सोच लिया है कि आपको एग्ज़ाम देना है, आपको सीए बनना है, तो इन सारी बातों को इस वक्त के अंदर छोड़िए और बस फटाफट से अपनी तैयारी के अंदर लग जाइए। सारा रोना धोना जो कुछ है, ये सोचना वो सोचना, इन सब के सोचने से होने वाला कुछ भी नहीं है। अगला अटेम्प्ट आपके सामने है, पूरी तैयारी के साथ अपना 100% देकर के आप वापस से तैयारी में लग जाइए। सीधा सा बात, आज किसी तरह की कोई बात, किसी मोटिवेशन की आपको जरूरत नहीं है। आज बिल्कुल हार्ड बात मैं आपसे करने जा रहा हूँ कि आपको मजबूत रह के बस एग्जाम की तैयारी में लग जाना है। कई सारे स्टूडेंट से बात हुई और उनसे बात करके बहुत अच्छा भी लगा कि जिस दिन रिजल्ट आया उनका रिजल्ट नेगेटिव था, और उसी दिन उन्होंने मुझे शाम को फ़ोन किया कि सर हम जो हुआ सो हुआ, हम लोग अभी से अपना तैयारी जो है वो स्टार्ट कर चुके हैं सर, टाइम टेबल बन गया है, हमने पढ़ाई को स्टार्ट कर दिया है, तो बस इसी जुनून के साथ में काम पर लग जाइए। अब रही बात कि सर रिवॉल्यूशन कराना है, सर हम लोग को कॉपीज मंगवाना है, तो बिल्कुल करवाइए। आपको जहाँ लगता है रिवॉल्यूशन का जरूरत है, रिवॉल्यूशन करिए। अगर आपको लगता है कि हमको कॉपी मंगवाना चाहिए, तो ठीक है कॉपी मंगवाइए, ताकि आपको अपना मिस्टेक्स अगर कहीं है तो पता लग जाए। फैकल्टी के साथ डिस्कस करिए अपनी कॉपी को, वो सब करिए, लेकिन इन सब के लिए वेट करने का जरूरत नहीं है। प्रोसेस करते रहिए, ये सारा कॉपीज आएंगी, थोड़ा टाइम लगेगा, रिवॉल्यूशन का रिजल्ट आएगा उसमें भी टाइम लगेगा, तब तक हम वेट नहीं कर सकते हैं। तो बस सीधा सीधा सा एक ही बात आपसे करूंगा कि इन सारी चीज़ों को साइड में रखिए और बिल्कुल पढ़ने की तैयारी शुरू करिए। आप पढ़ने लगिए, बिल्कुल मानता हूं मैं कि उन्हीं बुक्स को वापस से देखना, उनसे वापस से पढ़ना कई बार हमारे लिए मुश्किल लगेगा, बट अब जो है सो है, अपने को करना है। अगर हम सोचने बैठ गए कि ऐसा क्यों नहीं हुआ, वैसा क्यों हुआ, किस लिए हुआ, तो अब कुछ होने वाला नहीं है। तो सबको छोड़िए, अच्छे से आप लोग तैयारी करिए। जहाँ पे भी आपको ज़रूरत लगती है हम लोगों की फैकल्टीज़ की, आप बिल्कुल, हमारे मोबाइल नंबर आप लोगों के पास में है, आप कमेंट करिए या किसी भी तरह की कोई क्वारी करना चाहते हैं तो करिए, बस बिल्कुल पढ़िए। तो ऑल दी बेस्ट आप लोगों की तैयारी के लिए, और भी कुछ होगा तो जल्दी आपसे बात करूँगा। थैंक्स अ लॉट।